बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल उपचुनाव के परिणाम आने हैं और उसको लेकर के देखिए कुशेश्वर स्थान दरभंगा के लिए रवाना हो रहे हैं। आपको बता दें कि दो सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, कुशेश्वर स्थान और तारापुर। एक तारापुर के लिए जगदानंद सिंह के नेतृत्व में टीम रवाना हुई और देखिए तेजस्वी यादव कुशेश्वर स्थान दरभंगा जा रहे हैं और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव जब दरभंगा के लिए रवाना हो रहे हैं, कुशेश्वर स्थान में रहेंगे, दो रात वहां कैंप करेंगे और वहीं पे मॉनिटरिंग करेंगे कि कहीं कोई चूक ना हो जाए, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस रहे थे राजद के, उससे ये कहा गया। देखिए तेजस्वी यादव का काफिला सीधे ये रवाना हो गया है कुशेश्वर स्थान दरभंगा के लिए और वहाँ कल परिणाम आने हैं। कल का इंतज़ार सबको है, कल जब कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों जगह पर परिणाम आएंगे और इंतज़ार सबको है कि किसके पक्ष में जो है कल परिणाम आएंगे, कौन सी पार्टी बाजी मार पाती है। इस वक्त 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास का नज़ारा देखिए, जब तेजस्वी यादव निकल रहे थे तो किस तरह से चहल पहल बड़ी थी, कार्यकर्ताओं का लंबा तांता लगा था कि तेजस्वी से मुलाकात करके अपनी समस्याओं को ही बताएं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का हर दिन जनता दरबार भी चलता है, वो लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और आश्वासन देते हैं कि पूरे उनके जो समस्या उसका समाधान किया जाएगा। हालांकि इस वक्त माहौल है उपचुनाव के परिणाम को लेकर के, उपचुनाव कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों जगह होने हैं। देखिए किस तरह से कार्यकर्ता जो है किस तरह से डटे हुए थे यहाँ पर और इंतज़ार हो रहा था कि कब तेजस्वी यादव निकलेंगे और फिर वो कुछ कहते हैं या फिर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं। और जब तेजस्वी निकले हैं और कुशेश्वर स्थान तारापुर दोनों जगह कल परिणाम आएंगे और इसको लेकर के कोई गड़बड़ी ना हो, मॉनिटरिंग तेजस्वी खुद करेंगे, दो रात वहां पे कैंप करेंगे और तारापुर जगदानंद सिंह के नेतृत्व में एक टीम रवाना हुई है, वहाँ तारापुर में भी मॉनिटरिंग किया जाएगा कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और जेडीयू जनता दल यूनाइटेड की ओर से जो दावा पेश किया जा रहा है उसमें ये कहा गया कि दोनों सीट जनता दल यूनाइटेड ही जीतेगी, उपचुनाव के दोनों जो परिणाम आएंगे वो जदयू के ही फेवर में होगा और जदयू के पक्ष में ही वोट पड़े हैं, मतदान हुआ है, विकास के नाम पे मतदान हुआ है, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनेंगे, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं इसको लेकर के। और आज जब तेजस्वी निकले हैं कुशेश्वर स्थान तारापुर के लिए और कुशेश्वर स्थान दरभंगा के लिए, तो वहाँ पर वो खुद से जायजा लेंगे, किसी तरह की कोई समस्या ना हो, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो, वो खुद देखेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा था कि कई ऐसे वीडियोज़ हैं, कई ऐसे प्रूफ हैं उनके पास जो वो दिखाना नहीं चाहते। हालांकि उपचुनाव के दरमियान तेजस्वी ने एक दो वीडियो जरूर सोशल मीडिया पे साझा किया था और उसमें देखा जा सकता था किस तरह से जेडीयू के तरफ से कई महिलाओं को साड़ियां बांटी गई और ये कहा गया कि अब जनता दल यूनाइटेड को वोट कीजिए। और नीतीश कुमार भी ये दावा कर रहे थे कि जब तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। जनता दल यूनाइटेड के दो विधायक रहे थे मेवालाल चौधरी और शशिभूषण हजारी, तो उन दोनों का जब निधन हुआ कोरोना काल की वजह से, जो सिस्टम था बिहार में, जो व्यवस्थाएं थी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी, वो लचर थी, जिसके कारण कई समस्या हुई और दोनों विधायकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और अब जब उपचुनाव हुए हैं तो बिहार की जनता जनता दल यूनाइटेड को ही जिताएगी, ये देखना कल होगा जब 2 नवंबर को परिणाम आएंगे, यानी कल। और तेजस्वी खुद कुशेश्वर स्थान में रहेंगे, वहाँ पर मॉनिटरिंग करेंगे, एक टीम जगदानंद सिंह के साथ उनके नेतृत्व में रवाना हुई है तारापुर, दोनों जगह कोई परेशानी ना हो इसके लिए मॉनिटरिंग खुद से किया जाएगा। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, सहयोगी अमित के साथ अस्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार, पटना।